एवरीवन हाय दिस इज सिमरन क्लास टेंथ का हम लोगों ने केमिस्ट्री के दो चैप्टर्स किए हैं आज हम स्टार्ट करेंगे बायोलॉजी का चैप्टर दैट इज़ लाइफ प्रोसेस इसके अंदर आपके चार चैप्टर इंक्लूड होंगे चार टॉपिक्स मेन टॉपिक्स जो हैं वो इंक्लूड होंगे फर्स्ट वन इज़ न्यूट्रीशन सेकेंड इज रेस्पिरेशन थर्ड वन इज़ ट्रांसपोर्टेशन फोर्थ वन इज एक्सक्रीशन पहली बात तो ये आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि लाइफ क्या होती है लिविंग ऑर्गेनिज़म्स क्या होते हैं ये पता होना चाहिए लिविंग ऑर्गेनिजम्स लिविंग मतलब जिंदा जीवित इनको हम बोलते हैं लिविंग अब हमें पता कैसे चलेगा कोई चीज़ लिविंग है या नहीं सो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो चीज़ होती है जिससे हमें पता चले कि ये जो चीज़ जो हमारे सामने खड़ी है वो लिविंग है या नॉन लिविंग वो है मूवमेंट अगर उस ऑर्गेनिज़म के अंदर मूवमेंट हो रही है तो वो लिविंग है अदरवाइज इट इज़ नॉन लिविंग राइट और सारे एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स प्लांट्स सभी लिविंग में आते हैं राइट right? अब करेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हैं लिविंग थिंग के फर्स्ट वन इज दे कैन मूव बाय देफ दे नीड फूड एयर एंड वाटर दे शो ग्रोथ कैन रिस्पॉन्ड टू चेंज अराउंड देम आर सेंसिटिव लिविंग थिंग्स रिस्पायर लिविंग थिंग्स एक्सक्रीट दे कैन रीप्रोड्यूस दे कैन हैव यंग वंस ठीक है अब मैंने जैसे एग्जाम्पल्स लिए थे कि एनिमल्स ह्यूमन बींग्स प्लांट्स ये सब लिविंग होते हैं तो आप लोगों के दिमाग में एक चीज़ आई होगी कि मैंने बोला है कि मूवमेंट शो करते हैं प्लांट्स तो मूवमेंट शो नहीं करते फिर वो लिविंग कैसे हुए वो लिविंग इस तरह से होते हैं क्योंकि वो लोग मूवमेंट शो करते हैं बाय इंक्रीजिंग देयर बाय शोइंग देयर मूवमेंट इन देयर बॉडी पार्ट्स उनके जो बॉडी पार्ट्स होते हैं वो मू वो बड़े होते हैं ग्रो करते हैं जिससे हमें पता चलता है कि प्लांट्स जो हैं वो लिविंग हैं अब आते हैं टॉपिक के ऊपर टॉपिक था हमारा लाइफ प्रोसेस लाइफ प्रोसेस क्या होता है लिविंग प्रोसेस तो बेसिक फंक्शन परफॉर्म बाय लिविंग ऑर्गेनिजम्स टू मेंटेन देयर लाइफ ऑन दिस अर्थ आर कॉल्ड लाइफ प्रोसेस ठीक है बेसिक फंक्शंस जो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म परफॉर्म करता है या मेंटेन करता है अर्थ पे रहने के लिए जीवित रहने के लिए उसे हम बोलते हैं लाइफ प्रोसेस और हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को जीने के लिए अपने लाइफ प्रोसेस को कंडक्ट करने के लिए फंक्शन कराने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है और वो एनर्जी उन्हें मिलती है फूड से जो उनके लिए काम करता है एज अ फ्यूल फूड इज़ अ काइंड ऑफ फ्यूल विच प्रोवाइड एनर्जी टू ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज़म्स ठीक है अब हम अपना पहला जो सब टॉपिक है वो स्टार्ट करेंगे दैट इज़ न्यूट्रीशन न्यूट्रीशन क्या होता है न्यूट्रीशन जो है हम उसे कह सकते हैं कोई भी ऐसा सब्सटांस जिससे एक ऑर्गेनिज्म को जो एक ऑर्गेनिज्म लेता है एनर्जी एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी राइट न्यूट्रिएंट कैन बी डिफाइंड एज अ सब्सटेंस विच एन ऑर्गेनिज्म ऑप्टेन फ्रॉम इट्स सराउंडिंग एंड यूजेस इट एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी और फॉर द बायो सिंथिस ऑफ इट्स बॉडी कॉन्स्टिट्यूएंट्स सिंपल वर्ड में अगर मैं कहूँ न्यूट्रीशन क्या है या न्यूट्रियट क्या है न्यूट्रियट वो सबस्टांस है जो एक ऑर्गेनिज्म इंटेक करता है ताकि उसे एनर्जी मिल सके टू कैरी आउट सिस इट्स लाइफ प्रोसेस ठीक है तो न्यूट्रीशन क्या हुआ प्रोसेस जिसके अंदर न्यूट्रियट्स का इंटेक किया जाता है और न्यूट्रियट्स कौन कौन से होते हैं कार्बोहाइड्रेट फैट प्रोटीन मिनरल्स विटामिन एंड वाटर फाइबर्स ऑल्सो जो एक बाय एन ऑर्गेनिज्म एज वेल एज यूटिलाइजेशन ऑफ दीज न्यूट्रिएंट्स बाय एन ऑर्गेनिज्म, न्यूट्रिएंट्स का इंटेक होना मतलब बॉडी में लेना और फिर उनकी यूटिलाइजेशन करना बाय एन ऑर्गेनिज्म उसे बोलते हैं हम न्यूट्रिशन जो न्यूट्रीशियन होते हैं उसका हमारे पास दो मेन मोड्स होते हैं न्यूट्रिशन के तो मोड ऑफ़ न्यूट्रिशन कौन कौन से होते हैं मेथड मींस मेथड ऑफ प्रोक्योरिंग फूड और ऑप्टेनिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म मोड्स मतलब जैसे वो होता है मोड ऑफ़ ट्रांसपोर्ट राइट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट मतलब साधन जिनके द्वारा आप एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं इसी तरह मोड ऑफ़ न्यूट्रीशन होता है कि साधन जिसके द्वारा आप न्यूट्रिएंट्स का इंटेक कर सकते हैं अपनी बॉडी में फर्स्ट वन होता है ऑटोट्रॉपिक ऑटोट्रॉपिक होता है ऑटोट्रॉपिक इज द इज दैट मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच एन ऑर्गेनिज्म मेक इट्स ओन फूड फ्रॉम सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल लाइक कार्बन डाइऑक्साइड वाटर प्रेजेंट इन इट्स सराउंडिंग ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है जिसके अंदर ऑर्गेनिजम्स जो हैं अपने आप अपना खाना प्रिपेयर करते हैं यहाँ तक कि रॉ मटेरियल भी उनका खुद का होता है वो सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल को लेते हैं जैसे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर और उससे अपना खाना प्रिपेयर करते हैं और जो ऑर्गेनिज़म्स ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करते हैं उन्हें हम बोलते हैं ऑटोट्रॉप्स और सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स में से सिर्फ एक ही ऑटोट्रॉप्स है दैट इज योर ग्रीन प्लांट्स ग्रीन प्लांट्स इज द ओनली ऑटोट्रॉप प्रेजेंट इन दिस अर्थ ठीक है ऑन दिस अर्थ हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है इट इज़ दैट मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच एन ऑर्गेनिज्म कैन मेक इट्स ओन फूड फ्रॉम सिंपल इनऑर्गेनिक मटीरियल लाइक सी ओ टू एच ओ टू मतलब कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर डिपेंड ऑन अदर ऑर्गेनिज्म फॉर इट्स फूड हेट्रोट्रॉप्स क्या होते हैं ये वो मोड ऑफ़ न्यूट्रिशन है हेट्रोट्रॉपिक जिसके अंदर एक ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद प्रिपेयर नहीं कर सकता वो उन ऑर्गेनिज़म्स के ऊपर डिपेंड होता है जो अपना खाना खुद प्रिपेयर करते हैं ठीक है थीके? और जो हैट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ़ न्यूट्रिशन को शो करते हैं उन्हें हम हैट्रोट्रॉप्स बोलते हैं उन्हें हम हैट्रोट्रॉप्स बोलते हैं तो हेट्रोट्रॉप्स की एक और डेफिनेशन आप लिख सकते हैं वो ये होगी दोज ऑर्गेनिज्म विच कैन नॉट मेक इट्स ओन फूड फ्रॉम इनऑर्गेनिक सबस्टांसिस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर एंड डिपेंड ऑन अदर ऑर्गेनिज्म फॉर दअ फूड आर कॉल्ड हेट्रोट्रॉप्स एग्जाम्पल बैक्टीरिया हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रीशन फर्दर थ्री टाइप में होता है सेप्रोट्रॉप पैरासिटिक एंड होलोजोइक न्यूट्रिशन सेप्रोट्रॉपिक कौन सा होता है सेप्रोट्रॉपिक इज दैट न्यूट्रीशन इन विच एन ऑर्गेनिज्म ऑपटेन इट्स फूड फ्रॉम डिकेंग ऑर्गेनिक मेटर ऑफ डेड प्लांट्स, डेड एनिमल्स एंड रोटन ब्रेड एक्सेट्रा हेट्रोट्रोपिको सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रीशन जो वो न्यूट्रीशन है जिसके अंदर एक ऑर्गेनिज्म जो है डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिज्म में से मैटर में से वो हो सकता है कोई भी मरा हुआ प्लांट हो एनिमल हो कोई भी रोटन ब्रेड हो कोई भी सड़ी गड़ी सड़ी हुई चीज़ हो उनसे जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो जो मोड ऑफ उनसे जो खाना लेते हैं वो होता है सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन और जो सेप्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को से खाना ऑप्टेन करते हैं उन ऑर्गेनिजम्स को बोलते हैं हम सेप्रोफाइट्स एग्जाम्पल फंगी फंगी में भी ब्रेड मॉड्यूल्स ब्रेड मॉड्यूल्स मतलब जो ब्रेड के ऊपर आपने देखा हो ना कई बार खराब हो जाता है और उसके ऊपर हम बोलिए नहीं इसके ऊपर फंगी लग गई है वो जो फंगी लगती है उसे हम ब्रेड मॉड्यूल बोलते हैं मशरूम ईस्ट ये जो है ये एग्जाम्पल है हमारे सेप्रोफाइट्स के ठीक है पैरासिटिक न्यूट्रिशन क्या होता है पैरासिटिक न्यूट्रिशन जो है इज दैट न्यूट्रिशन इन विच एन ऑर्गेनिज्म डराइव इट्स फूड फ्रॉम द बॉडी ऑफ अनदर लिविंग ऑर्गेनिज्म कॉल्ड इट्स होस्ट विदाउट किलिंग इट ये वो मोड ऑफ़ न्यूट्रिशन है जिसके अंदर एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म से फूड लेता है बट उस ऑर्गेनिज्म को वो मारता नहीं है विदाउट किलिंग दैम जैसे अब आप लोगों ने सुना होगा कि ह्यूमन बींग्स के ह्यूमन बींग्स के अंदर वो जुएँ लग जा आ जाती हैं सिर में बोलते हैं ना सिर में जुएँ हो गई हैं वो तो जो जुएँ होती हैं दैट इज़ योर लीस वो क्या होती हैं वो पैरासाइट्स होती हैं और जो हम लोग होते हैं उनके लिए होस्ट होते हैं क्योंकि हम उन्हें उनका फूड प्रोवाइड कर रहे हैं ठीक है तो हम हुए होस्ट और वो हुए पैरासाइट्स तो पैरासाइट्स क्या है पैरासाइट इज एन ऑर्गेनिज्म विच फीड ऑन अनदर लिविंग ऑर्गेनिज्म कॉल्ड इट्स होस्ट प्लांट्स में इसका एग्जाम्पल है हमारा कस्कटा जिसको हम हिंदी में हमारी कॉमन लैंग्वेज में अमरबेल भी बोलते हैं और एनि एनिमल्स में आते हैं हमारे प्लाज्मोडियम और राउंड बॉम और आप लीस भी लिख सकते हैं थर्ड मॉड ऑफ न्यूट्रीशन जो है वो हमारा है होलोजोइक न्यूट्रीशन होलोजोइक न्यूट्रीशन इज दैट न्यूट्रीशन इन विच एन ऑर्गेनिज्म टेक्स द कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक फूड मटीरियल इन टू इट्स बॉडी बाय द प्रोसेस ऑफ इंजेशन द इंजेक्टेड फूड इज डाइजेस्टेड एंड देन ऑब्जर्वड इन टू द बॉडी सेल्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म होलोजोइक न्यूट्रीशन वो न्यूट्रिशन होता है जिसके अंदर जो ऑर्गेनिज़म है वो खाना खाता है कॉम्प्लेक्स और ऑर्गेनिक फूड को अपनी बॉडी में लेता है उसकी फिर डाइजेशन होती है उससे हम बोलते हैं होलोजोइक न्यूट्रीशन ठीक है और ये कौन करता है हम ह्यूमन बींग्स कैट्स डॉग्स एनिमल जराफ लाइन ये होलोजोइक न्यूट्रिशन है हम लोग क्या करते हैं हम लोग खाना लेते हैं बना हुआ खाना खाते हैं अगर हम कहें आप लोग क्योंकि माइंड में ये आ रहा है कि नहीं हम ट्रॉप्स हैं क्योंकि हम लोग अपना खाना किचन में बनाते हैं नो हम ऑटोट्रॉप्स नहीं है, हम है ट्रॉप्स हैं क्यूं है? हम हेटरोट्रॉप्स हैं क्यों हैं क्योंकि हम लोग रॉ मटेरियल जो है कच्चा खाना उससे सिर्फ पकाते हैं हम पर खाना हम बाहर हम ऑटोट्रॉप से ही लेते हैं प्लांट्स से ही लेते हैं ठीक so, है सो वी आर हेट्रोट्रॉप्स और कौन सा मॉड ऑफ न्यूट्रिशन हम फॉलो करते हैं दैट इज़ होलोजोइक मॉड ऑफ न्यूट्रिशन आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन थैंक यू